इस वीडियो में मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे कि और कि ये देख लेंगे किस तरीके से मोलैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है और मोलैलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि इस क्या बता रहे हैं कि आपके Na2CO3 या आपका एक सॉल्यूट है जिसका आपका आपने कितना मास लिया, 53 ग्राम आपने Na2CO3 लिया, इसको आपने डिसॉल्व किया कितने, एक लीटर के सॉल्यूशन में। तो आप बताएं कि उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो अब ज़रा इसके अगर हम डेटे की बात करें तो इसका डेटा ड्रॉ बना लेते हैं। तो मास ऑफ Na2CO3 आपको कितना गिवन है, 53 ग्राम गिवन है। अच्छा, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 निकालने के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2 × 23 के दो सोडियम है प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16। तो ये आपको आपके पास आ जाएगा 106 ग्राम। और आपको वॉल्यूम कितना दिया मैंने कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन आपको दे दिया, वो दे दिया आपको 1 लीटर। तो अभी और आपको निकालनी क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि मोलैरिटी क्यों निकालनी है, क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किस में, लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में। तो इस वजह से ये सवाल किसका आपका हो जाएगा, मोलैरिटी का सवाल हो जाएगा। तो अब हमने मोलैरिटी देखी थी कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। और आपके जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स की बात की जा रही थी। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सिंपली हम मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं। तो 53 डिवाइडेड बाय 106 और आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल। तो आपकी मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या हो गई आपकी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 और ये आपके पास आ गई मोलैरिटी इज 0.5 m। इस मोलैरिटी की यूनिट को आप m भी शो कर सकते हैं और मोलैरिटी की इस m का मतलब होता है मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि आपका लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अब इसी सवाल को अगर हम ये देखें कि मोलैलिटी के कंसर्न में अगर हम इस सवाल को समझने की कोशिश करें तो ये सवाल कुछ ये बोलता है कि फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जब भी आपकी मोलैलिटी कितनी आ जाती, 0.5 ही आ जाती। तो अगर जो चीज़ मैंने अभी कही है उस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर ये सवाल में बोलता है कि मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलता, मोलैलिटी आप निकालें सही, और क्या चीज़ गिवन मैंने, मास आपको वही गिवन मैंने कि 53 ग्राम है, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सही। और आपका लेकिन वॉल्यूम यानी कि जो आपने सॉल्यूशन वो लिया हुआ है वो किस में लिया हुआ है, 1000 ग्राम या और 1 kg ऑफ अ सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं। तो जब भी क्या होगा कि आप जब मोल्स निकालेंगे तो वो मोल्स तो आपके सेम आएंगे 0.5 मोल और 0.5 डिवाइड बाय 1 kg ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आपकी मोलैलिटी भी इस केस में क्या आ जाएगी, 0.5 m आ जाएगी। तो इस तरीके से मोलैलिटी और मोलैलिटी की क्या नाम है कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं कि सबसे पहले आपको मोल्स निकालने होंगे और उसको फिर डिवाइड करवा देना होगा किससे, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से।